कि मैं वापस दोबारा एमएलए बनूं और जो अनफिनिश्ड एजेंडा है वो कंप्लीट करूं। और ऐसा लग रहा है, जाहिर है कि लोगों का सपोर्ट काफी है और लोग सामने आ रहे हैं, नौजवान खासी तादाद में मेरे साथ मिल रहे हैं और उससे मुझे 100% लग रहा है कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे। सर, आप एनसी के लिए बीजेपी के साथ मिलना या टैग लगना कौन सी नई बात है? एनसी ने तो पहले भी बीजेपी के साथ रिश्ता किया था, जब उनकी सरकार 99 से 2004 तक वो साथ रहे हैं। जब वाजपेयी जी की सरकार एनडीए में थे तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि ये जो ड्रामाबाजी पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है कि अभी भी ये कश्मीरी कौम को क्या समझते हैं। अरे भाई, सीधा बोलो, हम इनके दोस्त हैं, कोई इनका दोस्त है, कोई किसी और का दोस्त है। अभी तक अपनी पार्टी को तो मैंने इसीलिए छोड़ा था कि उसको बीजेपी का टैग लगा। आज अपनी पार्टी अगर सपोर्ट कर रही है उनको, तो मेरे डाउट्स कुछ क्लियर हो गए कि कोई भी उनके साथ कर नहीं सकता है, चाहे वो एनसी हो, चाहे वो अपनी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो। आराम से, ये कोई अब छुपने वाली बात नहीं है जो यहाँ से। हाँ, देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टियों के ड्रामा से बच के रहना चाहिए लोगों को, और उनको देखना चाहिए कि हमारे इंटरेस्ट में कौन है। तो उसके साथ ही उनको ये नहीं देखना है पार्टीज कौन है क्या है। मैं लोगों से अपील ये करूँगा कि एक फेज का इलेक्शन हुआ है, दो और बाकी है। कल परसों में तो श्रीनगर, सेंट्रल कश्मीर और जम्मू के कुछ हिस्सों में इलेक्शन है। चुनके नुमाइंदों को, उन नुमाइंदों को चुनिए जो आपके लिए काम करेंगे, जो आपके लिए ही सब कुछ सोच उनका आपके लिए, बाकी फालतू चीज़ों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है। तो ये एक इलेक्शन ऐसा है कि हमको अपने फ्यूचर ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये आज की बात नहीं है, ये कल की बात है, और कल कैसे होगा वो लोगों को सोचना पड़ेगा। देखो, एक तो ये है कि पिछले इलेक्शन में 19 कैंडिडेट थे, आज शायद 18 है ना 19। ये लास्ट इलेक्शन जो 2014 में 19 थे, कोई नया इतना नहीं है। आते हैं लोग इलेक्शन के वक्त, कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, डेमोक्रेसी का ये फायदा है। तो हम खुश हैं कि लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और अपना एजेंडा बता रहे हैं। अब लोगों पे डिपेंड है कि लोग किसको पसंद करेंगे, लोगों को किन की बात इफेक्टिव लगेगी। और लोग पुराना भी देख के अपनी राय बनाएंगे, तो उसमें तो उनको मुझे आजमाने की जरूरत नहीं है, वो तो मुझे जानते हैं, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर, तो पार्लियामेंट में ये आर्टिकल 370 तोड़ा जा रहा था, एप्लीकेशन के लिए जब बिल लाई थी, कांग्रेस ने तो बिल्कुल साथ दिया है उनको, बीजेपी वहाँ वो नेशनल इंटरेस्ट समझते हैं। यही ड्रामाबाजी है ना, हमको 87 भी याद है, हमको लगातार ये चीज़ याद है कि कांग्रेस के की वजह से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा जम्मू कश्मीर में उनने रूल किया है। और आज भी ऐसा आ रहा है, आज भी जाहिर है कि अगर उनके पास पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर अलायंस उनके साथ की, तो किस चीज़ पे अलायंस किया? क्या उन्होंने उनसे गारंटी लिया कि 370 को हम रेस्टोर करेंगे? ये रिश्ता पहले भी नाजायज था, आज भी है। 87 का तो हमें याद है,